आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कुछ समय से आपका कर्नाटक में राजनीतिक उठापटक चल रही थी। उसके बाद आपने देखा है कि जो यहाँ के मुख्यमंत्री साहब थे, बीएस येदियुरप्पा साहब, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद आपके 23वें मुख्यमंत्री वसवराज बोम्मई चुने गए हैं। और आपको मालूम होना चाहिए, इनके पिता भी कर्नाटक के सीएम रह चुके हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मुख्यमंत्री पद के बारे में कुछ सामान्य जानकारी बता देता हूँ आपको, कर्नाटक के बारे में भी कुछ पॉइंट बता देता हूँ, और इनके वसवराज साहब के बारे में कुछ पॉइंट बता देता हूँ। इनकी एक तरह से आप लोग जीवनी कह लीजिए, आत्मकथा कह लीजिए, जीवन परिचय कह लीजिए, क्योंकि आप देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में भी पूछे जाते रहते हैं। और अगर आप लोग राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप लोगों को वैसे भी दिलचस्पी रहती होगी इस तरह के नेताओं के बारे में जानने की। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कर्नाटक राज्य पर। तो यहाँ आप देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक। अगर इसकी हम लोग राजधानी की बात करें तो बेंगलुरु इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। और अगर हम लोग इससे लगे हुए राज्यों की बात करें तो आप देखेंगे केरल से इसकी सीमा लग रही है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ आप देख सकते हैं तेलंगाना, ऊपर महाराष्ट्र, नीचे यहाँ गोवा, ठीक है। और यहाँ देखेंगे अरब सागर लगा हुआ है, समझ रहे हैं आप लोग। आपको मालूम होना चाहिए कि स्टेट यानी कि राज्य का दर्जा मिला था 1 नवंबर 1956 में, किसे, बेंगलोर को। और यहाँ विधान परिषद सीटें 75 देखने को मिलेगा, और विधानसभा सीटों की बात करें तो 225 सीटें देखने को मिलेंगी, यानी कि यहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। और राज्यसभा सीटों की बात करें तो 12 सीटें देखने को मिलेंगी। यहीं अगर हम लोग लोकसभा सीटों की बात करें तो 28 सीटें आपकी लोकसभा की देखने को मिलेंगी, कहाँ, कर्नाटक में, ठीक है। अब मुख्यमंत्री के पद की बात होती है तो इसे नियुक्ति कौन करता है और किस व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है। तो आप सभी लोगों ने संविधान का अनुच्छेद 164 का प्रावधान देखा होगा, इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। और याद रखिए, राज्यपाल उस व्यक्ति को करता है जिसके पास बहुमत होने की हो या होने की संभावना हो। और एक बात और बता दूं आपको कि ऐसा नहीं कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को भी उठा के रख दे जिसके पास बहुमत ही ना हो। तो एक तरह से एक परंपरा बनी हुई है कि राज्यपाल को आशा हो। सबसे पहले तो यही होता है कि सबसे बड़ी पार्टी के जो भी नेता होता है उसे बुलाया जाता है, अगर उसके पास बहुमत नहीं है तो दूसरे को बुलाया जाता है, इस तरह से बात होती है। या फिर गठबंधन हुआ है किसी को, अगर उसके पास बहुमत है तो उसे बुला लिया जाता है। विधानसभा चुनाव में पार्टी एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल के पास नामांतर का कार्यकारी अधिकारी होता है, लेकिन याद रखिए वास्तविक कार्यकारी अधिकारी मुख्यमंत्री होता है। नाम मात्र का एक तरह से कार्यकारी अधिकारी कौन होता है, राज्यपाल। जिस तरह से आप देखते हैं कि केंद्र सरकार में आपको राष्ट्रपति देखने को मिलेगा, नाम मात्र की शक्ति रहती है उसके पास, लेकिन मैन किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास। हालांकि आप देखेंगे राज्यपाल के पास राष्ट्रपति से ज्यादा शक्तियां देखने को मिलेंगी। इसमें आप देखेंगे विवेकाधीन शक्तियां, राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की शक्ति अधिकार, प्रभाव, प्रतिष्ठा, भूमिका के कुछ हद तक कम भी कर देती हैं। याद रखिए, एक व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है या फिर विधान परिषद का सदस्य नहीं है वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है। यानी कि कहने का मतलब, आप भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं अगर आप लोग लोकसभा, आप लोग अगर विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं है तब भी बन सकते हैं। आप लोगों ने महाराष्ट्र में देखा होगा उद्धव ठाकरे के मामले में कि उद्धव ठाकरे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, फिर भी मुख्यमंत्री बने। ममता बनर्जी को देखा है कुछ समय पहले, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी विधानसभा सीट जिससे लड़ रही थी वो हार चुकी थी, फिर भी वो मुख्यमंत्री बनी है। तो याद रखिए, उसे 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, और उस समय सीमा के भीतर उसे राज्य विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, और या तो वो विधानसभा से चुनना होगा, सदस्य बनना होगा, या विधान परिषद में। ऐसा ना नहीं होता है तो उसे मुख्यमंत्री पद का त्याग पत्र देना होगा। 6 महीने तक आप लोग रह सकते हैं, 6 महीने के अंदर आपको या तो विधानसभा से या फिर आपको विधान परिषद से। यही आप देख सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में यानी कि केंद्र में आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं,
आप मंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन आपको वो 6 महीने के अंदर या तो लोकसभा से या राज्यसभा से सदस्य बनना होगा। अगर नहीं बनते हैं तो आपको अपना पद त्यागना होगा। अगर सीएम के कार्यकाल की बात करें हम लोग, तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है जब तक बहुमत एक तरह से उसके साथ है। राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि विधानसभा में उसके पास बहुमत प्राप्त है। यदि वह विधानसभा में विश्वास मत खो देता है, उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए, अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर देगा। यानी कि कहने का मतलब है, जब आपके पास एक तरह से बहुमत ही नहीं रहेगा, विधायक ही नहीं रहेंगे, तो आप वहां क्या करेंगे? तो यही है, और शक्तियां भी देख लीजिए। राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, और वह मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल भी करता है। कौन? मुख्यमंत्री। वह पद से इस्तीफा देकर मंत्रिपरिषद का विघटन भी कर सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। समझ रहे हैं आप लोग? अब हम बात कर लेते हैं वसवराज बोम्मई के बारे में। तो इनके जन्म की अगर हम लोग बात करें, ये फोटो आप लोग देख ही रहे होंगे, 28 जनवरी 1960 को होता है इनका ना जन्म। कहाँ होता है? हुबली, कर्नाटक में। एस आर बोम्मई इनके पिताजी थे, और यही मुख्यमंत्री थे आपके कर्नाटक के। पहले इनके पिताजी मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इनकी शिक्षा की बात करें तो बी यांत्रिकी में इन्होंने क्या किया हुआ है, इंजीनियरिंग की हुई है। तो उद्योगपति भी हैं और राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, और आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। अगर हम लोग इनकी राजनीतिक सफर की बात करें, तो आप सभी को मालूम होगा कि ये जो बीजेपी है, ये पार्टी आती है 6 अप्रैल 1980 को। इससे पहले आपने देखा होगा जनता पार्टी हुआ करती थी। तो 1998 में वसवराज बोम्मई जनता दल के उम्मीदवार के रूप में धारवाड़ निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। कब? 1998 की बात है। पर आप देखेंगे 2004 में उन्होंने जनता दल के सदस्य के रूप में फिर से धारवाड़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। फिर आपने देखा होगा कि 2008 में उन्होंने जनता दल छोड़ दिया था और धारवाड़ से भाजपा उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव जीता, और इस बार आप देखेंगे कि उन्हें जल संसाधन मंत्री भी बनाया गया था। फिर 2018 में फिर से चुनाव होता है, और याद रखिए कांग्रेस का मुख्यमंत्री बना था पहले। फिर आपने देखा है कुछ टूट फूट होने के बाद आपका बीजेपी आई हुई थी सत्ता में। 2018 में फिर से वो विधानसभा सभा के लिए सदस्य बनते हैं, और 2019 में जब येदियुरप्पा की सरकार बनती है तो इसमें भाजपा सरकार में सहकारिता मंत्री के रूप में वो नियुक्त होते हैं। बाद में आपने देखा होगा कि सरकार में कानून और संसदीय मामलों के मंत्री और गृह मामलों के मंत्री भी बनाए जाते हैं। और 28 जुलाई 2021, यानी कि 28 जुलाई 2021 को कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री बनते हैं। और येदियुरप्पा साहब की यहीं से खत्म होता है। अब आगे क्या होता है उनके बारे में अभी कुछ क्लियर भी नहीं है, लेकिन अभी याद रखिए, अब आपके वसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री होंगे कर्नाटक के। और आपने देखा होगा उत्तराखंड में उठापटक चलती रहती है, हर राज्य में आप देख रहे हैं कि कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद फिर बदल दिया जा रहा है। उत्तराखंड में तो 2-3 बदले गए इकट्ठे। तो ये इस तरह की राजनीतिक उठापटक चलती रहती है, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। चलिए ठीक है,